हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुजुर्गों के चेहरे पर दिखा संतोष का भाव। महामारी के खात्मे की प्रक्रिया शुरू। 9 बजे से शुरू हुआ अस्पताल में कोविड-19 का टीकाकरण। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण राज्य के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टैगोर नगर पर बुधवार को शुरू हुआ। पब्लिक हेल्थ मैनेजर अशोक भार्गव ने बताया कि सुबह 9 बजे से पहुंच रहे लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। इस चरण के अंदर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों एवं 45 वर्ष से अधिक के बीमार लोगों के टीकाकरण के लिए कोविन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। टीका लगाकर बाहर निकलने वाले बुजुर्ग लाभार्थियों के चेहरे पर संतोष का भाव दिखाई दिया। सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर श्रीमती नूतन बाला कपिला ने जानकारी देते हुए कहा कि अब महामारी के खात्मे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण काल अब खात्मे की ओर है। महामारी पर टीकाकरण कराने के बाद ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इसमें जरा भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। सभी जागरूक हो और आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। श्रीमती नूतन बाला कपिला सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग बीकानेर ने स्वयं आगे आकर कोविड का टीका लगवाया और साथ में लोगों को कहा कि कोविड का टीका मैंने मेरी इच्छा से लगवाया है। खुद की सुरक्षा व बीमारी को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन आवश्यक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये टीका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। पार्षद मोटू भाई ने बताया कि वैक्सीन सरल एवं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ये वैक्सीन सबको लगवानी है। जागरूक टीवी के लिए पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।